साहब प्रदन सिंह जी, तीन धारवीर के सांसद, और हमारा बड़ा सौभाग्य है जहाँ दूर दूर तक शिक्षा का कोई बाड़मेर में नाम लेने वाले नहीं थे, वहाँ बाड़मेर की आज गाँव में से निकली एक बेटी सेना में जाकर के लेफ्टिनेंट पद पर सीधा चयन होना। काम मर्दों वाला किया है तो सापे का। स्वयं से मिला जाए जिसने बाढ़ में जाए था बढ़ा। यह मोटिवेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि आपकी इस गौरव बेटी बहन प्यारी चौधरी के आज स्वागत अभिनंदन में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। मतलब मैंने ये पहली बार देखा है बाड़मेर में। मैं भी यहाँ पे आती थी कोचिंग के लिए, थोड़े 5-6 महीने मैं भी आई थी, कुशाग्र इंस्टीट्यूट था पहले इधर। मुझे इतना भव्य स्वागत दे के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि मैं पहली बेटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये गिनती रुके ना, मेरे से आगे और लड़कियाँ बढ़ती जाए। इसलिए सेना में एक्चुअली मेरा तो सिर्फ बैकग्राउंड ही आर्मी बैकग्राउंड है, तो मेरे पापा, मेरे ताऊजी, मेरा सारा ऑलमोस्ट परिवार ही फौज में है। तो मैं चाहती थी बचपन से कि हाँ मेरे को ये इसमें जाना है, क्योंकि सेना एक ऐसी जगह है जहाँ वो बहुत ज़्यादा सेफ है हर चीज़ के लिए, लड़कियों के मामले में कहो या कुछ भी कहो, सोसाइटी की चीज़ों में कहो। तो सेना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, और मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा अपनी तरफ से अगर मैं देश में थोड़ा सा भी सहयोग कर पाऊँ देश के उसमें, तो फिर वो अच्छी चीज़ है। बेटियां तो बढ़ना चाहती है, बेटियां हर जगह होती हैं जो अगर पढ़ना चाहती हैं, तो उन्हें मैं सबसे ज़्यादा बड़ा मैसेज उनके परिवार वालों को देना चाहूँगी, इस समाज को देना चाहूँगी जो यहाँ का समाज है, कि वो बेटियों को एक जिले तक ही सीमित ना रखे। अगर उनकी पढ़ाई, उनकी डिग्री यहाँ से ज़्यादा मतलब कि बाहर जाके होना चाहती है, तो उन्हें वो भेजा जाए वहाँ की, इतनी आज़ादी बेटियों को भी दी जाए जितनी बेटों को दी जाती है। और बेटा बेटी में जो फ़र्क है वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो फ़र्क, उस फ़र्क की जो रेखा को कम किया जाए, मेरा यही मैसेज है सारे यहाँ के समाज। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जहाँ मैंने कहा मुझे यहाँ पढ़ना है तो उन्होंने मेरे को भेज दिया कि जाओ बच्चे पढ़ो ऐसे। और मेरे नाना के परिवार से वहाँ पे भी उनकी तरफ से भी ऐसा था कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ने दो। मेरे परिवार में मुझे किसी ने कोई दबाव नहीं दिया कि हाँ नहीं नहीं आपको पढ़ाई नहीं करनी है या जो भी है, तो इस मामले में अच्छा था मेरी, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं कहना चाहती हूँ एक्चुअली सेना का ऐसा है कि थोड़ा हर चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, तो सेना के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि लड़कियाँ भी इस मुकाम पर पहुँच सकती हैं। अगर उन्हें जागरूक किया जाए, अच्छे से मोटिवेट किया जाए, तो वो जा सकते हैं उस तरफ। एक्चुअली उन्हें ज़्यादा पता ही नहीं होता, उन्हें बस इतना थोड़ा बहुत ही पता होता है कि सिविल वाले जॉब जो होते हैं वो ओपन सब कुछ दिख रहा होता है उसमें एंट्रेंस की, हाँ यहाँ पर ये पूरा रास्ता है, तो उधर थोड़ा ये थोड़ा कठिन रास्ता है, तो लोग इस तरफ रुख करना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ थोड़ा सोचें कि हाँ फौज में भी, फौज को भी अपनी जिंदगी में एक ऑप्शन रखे कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि ये कभी होता ही नहीं है ऑप्शन। सबसे पहले तो मैं पूरे बाड़मेर की तरफ से बहन प्यारी चौधरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हम सबके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारे इस थार रेगिस्तान में इस मालानी की धरा से निकल के एक बेटी फौज में एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करने वाली है। हमारे यहाँ बाड़मेर से बहुत वीर सैनिक हुए, सैनिक यदि मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हुए, पर ऑफिसर्स बहुत कम हुए। सिपाहियों में यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ से लेडीज़ सिपाही भी फौज में खूब है, पर ये पहली मर्तबा है जब एक लेडी को ऑफिसर बनने का मौका मिला है। इसने वो रास्ते खोले हैं कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ कैसे आगे जाके फौज में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी और हम सबके लिए मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाती है, पर ऐसा बहुत कम मर्तबा देखा गया है जब जिसे हम वर्दी वाली नौकरी कहते हैं उसमें जाए। तो ये हम सबके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि ये वो बाड़मेर की वो धरा है जहाँ जनरल हनुमत और सिपाही धर्माराम जी जैसे वीर हुए, उसी धरती पर आज प्यारी चौधरी ने फौज में कदम रखा है। और हम उम्मीद करते हैं
कि आगे जाकर ये अपना बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगी, हमारे इस क्षेत्र का, हम सबका नाम रोशन ऊपर करेगी और बाड़मेर को विश्व के मानचित्र पे अंकित करवाएगी।